हेलो गाइस, आप देख रहे ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 13x25। फ्रंट इसका 13 फिट रखा है, लंबाई इसकी 25 फिट रखी है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर कार पार्किंग, उसके ऊपर आपको 3 बाइयों के हिसाब से पूरा डिवाइडेशन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिवेशन कुछ इस तरीके दिया है। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते अपनी 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंप्लीट प्लान मिलता है आपको 3D में 13x25 में। कंप्लीट अटिया कुछ इस तरीके दिए, वेंटिलेशन यहाँ पे आपको जाल भी दिया गया है। फ्लोर वाइज बाइयों के हिसाब से डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको रैंप दिए बाइक पार्किंग कार पार्किंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से पार्किंग एरिया मिल जाता है। देख सकते हैं आप, इस पार्किंग का मैंने साइज रखा है 12x16। ये 12x16 का आपका स्पेस दिया है, देख सकते हैं ये 12x16 का स्पेस दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 7x8 का स्पेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है। जीना आपका 2.5 फिट का दिया है, कम्प्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से पूरा बना हुआ है। देख सकते हैं जीना आपका 2.5 फिट का दिया हुआ है। जीने के नीचे यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाती है, जो कि आपके पार्किंग के दी है। जीने के नीचे आपकी बनाई गई है, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है टॉयलेट के पर्पस से। तो ग्राउंड फ्लोर आपका पूरा पार्किंग के पर्पस से दिया है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना है, ऊपर आने मत कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने मिला, सेम साइज का जीना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले हॉल मिल जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। इस हॉल का मैंने साइज रखा है 8.5x8। दीवार को हटा के मैं सारे साइज बता रहा हूँ, 8.5x8 का आपका हॉल बना हुआ है। हॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ओपन किचन मिल जाती है। किचन के वेंटिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके 4x2 का आपका OTS दिया है। लेट बाथ और किचन का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं इस प्लान में। इस किचन का मैंने साइज दिया है 7x7 है, 7x7 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं 7x7। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हॉल में कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है। वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से छोटा सा रोशनदान दिया, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। इस लैट बाथ का मैंने साइज दिया है 4x7 है, 4x7 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दी गई है, देख सकते हैं 4x7। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन इस साइड से विंडो मिल, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको आमने सामने दोनों से विंडो दिए, डायरेक्ट आपको हॉल में भी हवा मिलती रहेगी। इस रूम का मैंने साइज रखा 10x12, 10x12 का आपका रूम दिया गया कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं 10x12 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको 1BHK हाउस प्लान कुछ इस तरीके से कम्प्लीट मिल जाता है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जीने से कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने मिला, सेम साइज का जीना दिया गया है। ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा सेम प्रोसेस बना है। यहाँ पे आपको ओपन किचन मिल जाती है, यहाँ पे आपको हॉल में लेट बाथ मिल जाती है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से 10x12 का रूम मिल जाता है। वेंटिलेशन दोनों साइड से विंडो दी गई हैं, देख सकते हैं आप। ग्राउंड फ्लोर आपका कार पार्किंग के पर्पज से, और फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपका सेम प्रोसेस दिया है 3 बाइयों के हिसाब से 1BHK हाउस प्लान का। कंप्लीट अटिया कुछ इस तरीके दी गई है, बाकी के यहाँ पे आपको ओपन टेरेस मिल जाती है। एलिवेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 13 फिट में बनाया गया है, देख सकते हैं 3 बाइयों के हिसाब से डिवाइडेशन दिया है स्मॉल हाउस प्लान में। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।